बाजार में मौजूद हूँ जो बिल्कुल मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान के झंडों के स्टॉल लगाए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मैं एक मेन स्टॉल पे मौजूद हूँ जो कश्मीर शहर में है, और मैं दुकानदार से भी जानूंगा तो कि उनका क्या रेट चल रहा है और यहाँ पर कितनी ज़ोर से खरीदारी चल रही है। आए दुकानदार से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, ये बताएं कि यहाँ जैसे कि आपने सुना भाई साहब ने कहा कि 14 अगस्त के आने से हमें बहुत खुशी हुई, जैसे कोई ईद का त्यौहार मनाता है, बच्चे बूढ़े छोटे बच्चे बच्चियाँ मिल के त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह से 14 अगस्त का माहौल बना हुआ। आप देख रहे हैं स्टॉल लगा हुआ है, पूरे शहर में स्टॉल लगे हुए हैं। 14 अगस्त एक खुशी का त्यौहार है, बिल्कुल बच्चे बूढ़े सारे मिल के एक साथ मनाते हैं। आपने बिल्कुल बातें सुनी कि दुकानदार के यहाँ पर बच्चे हो या बूढ़े हो, बिल्कुल खरीदारी अरुज पे चल रही है। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, मैं उनसे भी जानूंगा शहरी से कि उनका क्या क्या खरीद रहे हो और आपकी खरीदारी कैसे चल रही है और क्या रेट है यहाँ जी। 14 अगस्त के हवाले से हम यहाँ खरीदारी करने के लिए आए, स्टॉल पे खड़े हुए हैं। हम पाकिस्तानी परचम ले रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए, अपने मकाम के लिए और दुकान के लिए, और बच्चों के लिए पेजल लिए हैं और मफलर भी लिए हैं। हम करोड़ से आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम 14 अगस्त को दुनिया देखेगी कश्मीर जिले में किस तरह हम एक जिंदा कौम की निशानी देंगे, और हम 14 अगस्त मिली जोश खरोश से मनाएँगे इंशाल्लाह। आज पाकिस्तान के लिए एक मफलर खरीद आए, 14 अगस्त के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मेरी गाड़ी अंदर खड़ी है, उसके लिए भी परचम ले रहा हूँ, गाड़ी को भी लगाऊंगा। और पाकिस्तान 14 अगस्त की बहुत खुशी है, पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान।